नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। आज गढ़वा में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने अपना अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के गणमान्य नेताओं सहित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एवं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने संयुक्त रूप से रंका मोड़ स्थित इंदिरा पार्क में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर पूरे गढ़वा शहर का भ्रमण कर हर्षोल्लास के साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमर सफदर एवं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेश कुमार चौबे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेश चौबे जिंदाबाद। राजेश चौबे जिंदाबाद। कमर सफदर जिंदाबाद। इस अवसर पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमर सफदर ने गीतांश टीवी को बताया कि देखिए संघीय निकाय का चुनाव गठबंधन के लिए विधानसभा है, लोकसभा है, ये तो शहर का की सरकार बनानी है, उसके लिए गठबंधन कोई जरूरी नहीं था जिसके, और इसी वजह से इसमें नहीं ऊपर के लोगों ने कहा कि इतना भी मौका अगर कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाए तो हमारे कार्यकर्ता भी घर जाएंगे। तो पार्टी ने डिसीशन लिया कि हम लोग जो है इस बार अपने अपने पार्टी से लड़े। सर, इस बात का तो मुझे भी अफसोस है कि जिस हौसले के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे, वार्ड पार्षद के लिए हम दो बार चुने गए, लेकिन जानते हैं एकदम भिखारी बन गया था इंसान। किसी भी काम को लेकर के अगर ऑफिस में हम लोग अपनी बात रखते तो हम लोग की बात को काफी इग्नोर किया जाता था। और विकास तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास का जो खाका हम लोगों के पढ़े लिखे थोड़ा है मन में है और सोच अच्छी रखते हैं, इसलिए उसका जो खाका हमारे मन में था वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते मैंने इस बार प्रॉमिस किया कि नहीं, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी और अपने तौर पे गढ़वा बनाऊंगी। जो मेरे मन में है कि हमारा गढ़वा स्वच्छ हो, सुंदर हो, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली दिखे और जो बिखरे पड़े हैं, जो कोंचे वाले, जो ठेले वाले, बार बार उनको उखाड़ दिया जाता है, उन लोगों के लिए एक अस्थाई जगह कहीं पे मिलनी चाहिए। जिस तरह से बिखराव है गढ़वा में वो मुझे पसंद नहीं। बाईपास का प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या गर्मी के दिनों में पानी की। अगर इस साल तो देखिए हमको तो लगता है कि अभी से चापाकल सूखना शुरू हो गया, अगर पानी की समस्या दूर नहीं होगी तो आखिर गढ़वा के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे मर जाएंगे? आपका गढ़वा व्यवस्थित गढ़वा हो। हाँ, व्यवस्थित गढ़वा, हमारा गढ़वा सुंदर हो, स्वच्छ हो, व्यवस्थित। वहीं कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ गढ़वा नगर पालिका नगर परिषद के लिए मैडम कमर सफदर को प्रत्याशी के रूप में उतारी है। गढ़वा शहर शहर होते हुए भी अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, नाली की सफाई नहीं होती है, टैक्स यहाँ बढ़ गया है, विकास कार्य जो है वो मनमानी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जांच हो रहा है, उसका जांच हो रहा है, काफ़ी अनियमितताएँ पाई जाती हैं। और मेरा अपना दावा है कि जितने भी प्रत्याशी अध्यक्ष में हैं, चाहे वो जिस किसी दल से हो, निर्दलीय हों, कैसे भी हैं, उसमें सबसे कर्मठ और योग्य उम्मीदवार कमर सफदर जी हैं और यहाँ की जनता इनको भली भांति अच्छी तरह से जानती और पहचानती है। इसलिए मेरा अपना दावा है और हम लोग का मानना है कि निश्चित रूप से गढ़वा के विकास के लिए, गढ़वा की समृद्धि के लिए, यहाँ नागरिकों की सुविधा के लिए यहाँ की जनता इनको वोट देगी और हम लोग निश्चित रूप से विजयी होंगे। कई भागों में बटा हुआ है, आप इजाजत दीजिए। ऐसा है कि आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, हमारी नजरों में ऐसा कुछ नहीं है,
कांग्रेस एकदम इंटैक्ट है, एक साथ है, और आप जिस किसी का नाम लेंगे, तमाम जितने भी कांग्रेस के जाने माने चेहरे थे आज आए हैं ऊपर लेवल पर, अपने में जो राजनीति करते हो, लेकिन कंवर मैडम के नाम पर किसी के अंदर कोई राजनीति नहीं है, सभी लोग एक साथ संपूर्ण मनोयोग और ताकत के साथ है। आपका फुल सपोर्ट है, 1000% हमको जो ताकत होगा उसे थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा।